अब हम इस लैब के हिसाब से इस सिस्टम पे मास्टर डॉट एग्ज़ाम्पल डॉट कॉम पर जाके देखेंगे कि सारा कुछ सही है कि नहीं सही आई पी वगैरह ओके है ऐसे लिनिक्स वगैरह डिसेबल है कि नहीं फायर वॉल प्रॉपरली है कि नहीं होस्ट फाइल में प्रॉपरली एंट्री हुई है कि नहीं तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे मास्टर जिसे जहाँ उस सिस्टम पे जाएंगे जहाँ जा पर हमने मास्टर डी एन एस सर्वर इम्प्लीमेंट करना है तो हम अपने मास्टर सिस्टम पे जाते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहली कमांड चला के देखते हैं होस्ट नेम तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि मास्टर डॉट एग्ज़म्पल डॉट कॉम है हमारा डोमेन नेम सॉरी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम डी एन एस डोमेन नेम से हमें पता लगेगा कि हमारा जो डोमेन नेम क्या है वो एग्ज़ाम्पल डॉट कॉम है फिर हमारे पास कैट एक्स्ट्रा होस्ट फाइल है उसके अंदर हमने ये वाली एंट्री कर रखी है एक सौ बहत्तर चौबीस जीरो पॉइंट एक मास्टर डॉट एग्ज़म्पल डॉट कॉम ये वाली है फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिजॉल्व फाइल है उसकी एंट्री देखते हैं कि उसके अंदर दो एंट्रीज़ हैं सर्च लोकल होस्ट ये वाली कुछ एंट्रीज़ हैं और नेम सब यह लिखा हुआ है फिर हम एस स्टेटस को देखना चाहते हैं वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या है डिसेबल है फायरवॉल को देखना चाहते हैं लिस्ट करके कि है कि नहीं है तो ये फायरवॉल के जो सारे रूल है इनपुट फॉरवर्ड सब जगह कॉन्सेप्ट है मीन फायरवॉल हमारे डीएनएस को डिस्टर्ब नहीं करेगी फिर हमने आईपी पी एस से क्या कर लेना है चेक कर लेना है आई पी ड्रेस क्या है कि प्रॉपर मिला हुआ है कि नहीं एक सौ बहत्तर चौबीस जीरो पॉइंट एक हमारा जो है आईपी डेस्क प्रॉपर है तो किस फाइल में हमने सेटिंग्स की हैंस्ट्रा तो आपने ध्यान रखना है जो हमने सेटिंग्स की हैं, ए के अंदर नेटवर्क स्क्रिप्ट हमारे पास जो फाइल है तो यहाँ पे आप देखोगे हम इस डायरेक्टरी के अंदर जाके भी ये कमांड चला सकते थे कैट वाली तो हमने यहाँ से फुली क्वालिफाइड जो हमने एक एब्सोल्यूट पात दे दिया कि ए टी डायरेक्टी के अंदर से स्कन फिक जाके नेटवर्क से ये वाली फाइल ओपन कर दो तो यहाँ पे हमेशा वो कर रहा है बोर्ड पर कल आपका स्टैटिक है और जो आई पी ड्रेस एक सौ बहत्तर है और मास्क दो बारी टू है तो अगर इसके हम बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर सेटिंग्स देखेंगे एक कि हमने क्या सेट किया हुआ है तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा ये ब्रिज सेट किया हुआ है हमने पहले शुरू में ये नेट था नेट की जगह ये ब्रिज है फिर हमने चेक करना है कि जो दो इम्पोर्टेंट पैकेजेज हैं वो इंस्टॉल है कि नहीं है तो हमने चेक कर लेना है आर पी एम माइनस क्वेरी बाइंड तो ये बता देगा कि आपके ऑलरेडी इंस्टॉल है अगर नहीं है तो आपने यम कमांड से इसको इंस्टॉल कर देना तो हम बाइंड यूटिलिटी को भी देख लेते हैं तो इसी तरह आप जो हम जिट वग़ैरह को आर पी एम माइनस क्वेरी जेट इंस्टॉल है कि नहीं जिट भी इंस्टॉल है देन ई लिंक्स करल वाला पैकेज और डब्ल्यू कैट वाला पैकेज ये सारे पैकेज हमारे पास ये इंस्टॉल है तो ये सारी सेटिंग्स वगैरह आपने चेक कर लेनी है कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फायरवॉल की सेटिंग भी हमने चेक कर ली और ऐसी लिनिक्स के लिए हमने कौन सी फाइल में चेंज की है तो वो भी हम दिखा देते हैं सिस्क एसी लाइन तो यहाँ पे जो हमारी सेटिंग्स हैं वो हमने क्या कर रखी हैं ऐसी लिनिक्स जो पहले इनफोर्सिंग था उसकी जगह हमने क्या कर रखा है डिसेबलिंग कर रखी है तो इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है फिर हमने ये भी देखना है कि हमने यहाँ पे जो वेब सर्वर था वो भी इंस्टॉल है कि नहीं तो उसको भी देख लेते हैं तो वेब सर्वर भी इंस्टॉल है हमारा जो एफ सर्वर है टी डी तो ये भी हमारा इंस्टॉल है कि नहीं तो जो भी पैकेज थे जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे हमारे पैकेजेस वगैरह के हैं इंस्टॉल हैं और जो हमारी जो सेटिंग्स थी नेट की जगह वो भी हमने ब्रिज कर रखी है तो ये था हमारा जो प्रॉपरली हमने देख लिया कि ये सिस्टम हमारा परफेक्टली ऑल राइट है इसको आईपी भी एक स्टेटिंग मिला हुआ है एक नाम भी प्रॉपर मिला हुआ है डोमेन नेम भी सब कुछ है और सारे पैकेज भी प्रॉपरली इंस्टॉल हैं तो ये थी वेरिफिकेशन जो हमारी है मास्टर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम की